तुलसी हम सबके घर में है, ऐसा कोई घर शायद नहीं मिले जहां तुलसी ना हो। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक तुलसी ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं राम तुलसी और एक है जिसको हम कहते हैं श्याम तुलसी। राम तुलसी का ऐसा होता है कि उसका रंग हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन, और जो श्याम तुलसी है उसका रंग बहुत गहरा हरा होता है, डार्क ग्रीन। कभी कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देती है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं। तो ये जो श्याम तुलसी है इसी के औषधीय गुण हैं, राम तुलसी में ज्यादा औषधीय गुण नहीं है। तो घर में लगानी है आपको तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुलसी ही लगाइए। तुलसी की विशेषता ये है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है, साल के किसी भी महीने में आप इसका रोपण कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि ये सभी समय मिलती है, कोई भी समय में आपको ये मिलती है, तो आप गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। अब ये जो श्याम तुलसी है इसके क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने, ज्वर, फीवर, किसी भी तरह का फीवर आपको है, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, या टाइफाइड का बुखार आ गया आपको, या सर्दी जुकाम के कारण कोई बुखार आ गया, या कई बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज्यादा श्रम किया, बहुत काम किया तो भी बुखार आ सकता है, तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है। तो आप इसको हमेशा घर में रखिए और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उपयोग करें। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत सरल है, 15-20 पत्ते इसके तोड़िए श्याम तुलसी के, चटनी बना के उसका रस निकाल लीजिए, इस रस को गर्म कर दीजिए, इसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, और अगर आप शहद खा सकते हैं, मध खा सकते हैं तो थोड़ा सा मध मिला दीजिए, और इस रस को मध के साथ मिलाकर, नहीं तो गुड़ के साथ मिलाकर एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम अगर लेंगे तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते। अंग्रेजी की दवा पैरासीटामोल जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है, बहुत अद्भुत। तुलसी का सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में। अगर 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार आ गया है तो तुलसी का काढ़ा बना के दीजिए, बुखार तुरंत 105 से 102 101 पे आ जाए। काढ़ा कैसे बनाना है? तुलसी के पत्ते 15-20 तोड़कर पानी में डाल दीजिए, आधा कप पानी में खूब उबालिए इस पानी को, इतना उबालिए कि ये आधा रह जाए, फिर इस पानी में थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और गुड़ मिलाकर पीने लायक जितना गर्म है उतना इसको बना के पी लीजिए। तो ये काढ़ा है तुलसी का, इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आता है, बहुत ताकत है तुलसी में बुखार तोड़ने। इसी तुलसी का बहुत ज्यादा सदुपयोग सभी माताएं कर सकती हैं। मासिक पाड़ी से जुड़े हुए एक बहुत खराब रोग में इस तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग होता है, सफेद पानी आना, पांडरे पानी की शिकायत, जिसको हम सब लोग आजकल बहुत परेशान है, काफी माताओं को ये तकलीफ आजकल हो रही है। तो पांडरे पानी जाने की शिकायत जिनको है, अंग्रेजी में जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं, इसकी सबसे अच्छी औषध है यही तुलसी, श्याम तुलसी। इस श्याम तुलसी का भरपूर उपयोग करिए, आपको इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से निजात मिल जाएगी। इसको लेना कैसे है, तरीका मैंने बताया है कि इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, नहीं तो चटनी बना के रस निकाल के ले सकते हैं। और जिन माताओं को ज्यादा दिनों की ये शिकायत है श्वेत प्रदर की, लिकोरिया की, उनको इस तुलसी के रस के साथ खड़ी शक्कर जरूर खानी चाहिए, तो जिंदगी भर के लिए आपको ये बीमारी खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग, इसी तुलसी का एक तीसरा उपयोग भी है, बुजुर्गों को जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं, जिनको पेशाब की अक्सर शिकायत आती है, बूंद बूंद पेशाब आती है, खुलकर कोई भी पेशाब नहीं आती, लघवी के लिए जाते हैं लेकिन लघवी नहीं होती, कई बार ऐसा सेंसेशन आ जाता है, होती है तो एक दो बूंद होती है, आगे नहीं होती, ऐसे सभी। और एक अच्छी दवा बताता हूँ आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो भी आपके घर के आसपास मिल जाएगी, उसका नाम है बेल पत्र के पत्ते। बेल पत्र का जो पेड़ है उसके पत्ते जो हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, आप सभी पहचानते हैं उसको,
तो बेलपत्र के 5 पत्ते ले लें, पत्थर में पीस लें, इसकी चटनी बन जाएगी। और इसको 1 गिलास पानी में डालकर इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पिए। ये बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा है, इसको आप हर दिन पिएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को 20-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर है, उनको आप कहिए कि ये बेलपत्र के पत्ते का काढ़ा पिए और प्राणायाम करें, 1.5-2 महीने में उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 20 साल से है वो बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो जाए, इतना अच्छा है ये बेलपत्र। मेरा निवेदन है कि आप सभी शंकर जी को जब पूजा करते हैं और बेलपत्र उनको चढ़ाते हैं, तो ये बेलपत्र मंदिर में ना छोड़ें, शंकर जी को स्पर्श करा के वापस ले आए और इसकी, हाँ, इसकी दवा बना के खाएं। तो अब आपको मंदिर की पूजा के पद्धति में थोड़ा बदलाव करना है। शंकर जी के मंदिर में जाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, लेकिन शंकर जी को स्पर्श करा के वो वापस ले आइए, वो शंकर जी का प्रसाद है, और उसको आप चबा के खा लीजिए और पीछे से गर्म पानी पी लीजिए, तो आपका मोटापा कम कर देगा, बीपी कम कर देगा, शुगर कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे, इतनी बीमारी अकेले बेलपत्र से ही हो जाएगी ठीक। और अगर यहाँ कोई मंदिर के पुजारी बैठे हैं तो उनको तो निवेदन है मेरा कि जितने बेलपत्र मंदिर में आते हैं उसको धूप में सुखा लें और उसका पीस के पाउडर बनवा लें, और मंदिर में आने वाले हर भक्त को पुड़िया बना बना के वो बेलपत्र के पाउडर की दे। शंकर जी ने ये आपके लिए दिया है, और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को जो अर्पित होता है वही प्रसाद है, तो बेलपत्र ही प्रसाद है आपके। बहुत अच्छे होते हैं वो, आप सभी के काम आएगी, जिनको भी गुर्दे का त्रास है, कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, बात की तकलीफ बहुत ज्यादा अगर हो, कई बार ऐसी कंडीशन होती है बात की तकलीफ में कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है, वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है, थोड़ा भी करपट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है, हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, बात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है, और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता है, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी ठीक कर देते, परिजात के पत्ते। परिजात का फूल आपने देखा, सफेद फूल होता है और गंडी नारंगी होती है, और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही फूल आता है। तो इस परिजात के पेड़ के पत्ते तोड़िए, जिनको भी पुराने डायबिटीज है, अर्थराइटिस, गुर्दे की तकलीफ पुरानी हो, 10 बरस पुरानी, 15 बरस पुरानी, 20 बरस पुरानी, 25 बरस पुरानी, 40 बरस पुरानी, ठीक ही नहीं होती, डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये है परिजात। परिजात के पत्ते तोड़िए, 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालिए, पानी को खूब उबालिए, और इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। इतना पानी, 1 गिलास पानी, 5-6 परिजात के पत्ते, पत्तों को बनाइए चटनी, चटनी को मिलाइए पानी में, 1 गिलास पानी, पानी को उबालिए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको पीना है, छान के पिए तो अच्छा है, और वैसे पिएंगे तो और भी अच्छा है, वो पत्ते अगर जाए पेट में तो बहुत ही अच्छा है। अब इसको पीना है तो सुबह ही सुबह पीना है, खाली पेट पीना, तो मतलब इसका ये है कि रात को ये बनाइए, पंजाब के पत्ते तोड़ के चटनी बना के पानी में उबाल के रात को रख दीजिए, रात भर रखिए, सुबह उठकर उस पानी को पीना, मुंह धो के साफ करके कुल्ला तकून करके। अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो 40 साल पुराना डायबिटीज, सॉरी अर्थराइटिस, जो हाथ पर भी नहीं हिलने देता, वो हाथ पर हिलना शुरू करा देगा, और कितना भयंकर दर्द हो, 7 दिन में तो दर्द बिल्कुल गायब करा दे, बहुत अद्भुत है। इसलिए मेरा सबको एक विनंती है कि परिजात का झाड़ अपने घर में जरूर लगाएं,
और परिजात का घास गमले में भी लग जाता है, उसको बहुत जगह नहीं लगती, छोटी सी जगह में भी हो जाता है। ये परिजात का झाड़ बहुत ही अद्भुत है हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, दोनों ही तरह के अर्थराइटिस में, दोनों ही तरह के संधिवात में बहुत अद्भुत है और पुराने संधिवात में तो सबसे ज्यादा अद्भुत है। ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी दवा है धनिया, धनिया सूखा वाला और ताजा दोनों काम आते हैं। अगर आपको एनीमिया है माने खून की कमी है तो हरा धनिया पीस पीस के चटनी बना बना के खूब खाओ, उसका रस पियो। कोथमीर जो है ये थायराइड की सबसे अच्छी औषधि है, जिनको भी थायराइड बढ़ गया डॉक्टर कहता आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप कोथमीर का रस पीजिए। और कोथमीर जब ताजा मिलता है तब तो रस पी सकते हैं, कभी महीने ऐसे भी आते हैं जब नहीं मिलता कोथमीर, तो सूखा वाला जो आता है ना धनिया जिसको कहते हैं मसाले में हम इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में डाल के ले सकते हैं। ये भी बुखार ठीक करता है। बुखार की और एक अच्छी दवा है नीम की गिलोय। नीम के पेड़ पर एक बेल आती है, उसको हम गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं, कोई लोग गुड़ुची कहते हैं, गुड़ुच भी कहते हैं। वो गिलोय को थोड़ा सा काटो चाकू से, इतनी बड़ी डंडी उसकी, पत्थर पे पीस के एक गिलास पानी में उबाल दो, और उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पी लो ठंडा करके। खराब से खराब बुखार में इसके परिणाम आते हैं। मैं आपको बहुत विनम्रता से लेकिन पक्का विश्वास करके कह रहा हूं, दसियों साल का मेरा तजुर्बा है, जो बुखार किसी दवा से ना उतरे वो नीम की गिलोय से 100% उतरेगा। बड़े बड़े एंटीबायोटिक जब फेल हो जाते हैं बुखार में, ये नीम की गिलोय काम आती है। और आप इसको याद रखना हमेशा, कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत गहरा हो जाए तो शरीर में प्लेटलेट्स जो ब्लड में हैं वो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, WBC कम हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, और मरने की हालत आ जाती है पेशेंट की। उस समय आप अगर ये नीम की गिलोय का काढ़ा दे दें तो मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाए, इसलिए इसको अमृत औषधि कहा गया है, अमृता इसका नाम। और ये कहीं भी मिल जाती है आसानी से, आप अपने घर में लगा सकते हैं। नीम के पेड़ पर ये चढ़े तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी तरह से इसको बड़ा कर सकते। और एक अच्छी दवा बताता हूं घुटने के दर्द के लिए, वो है चूना।